छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो वरना अच्छा नहीं होगा। जोया को किडनैप कर लिया गया है। क्या? कब? कैसे? जोया, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी जोया अब क्या करेगी? आलिया शांत। आदि, जोया किडनैप हो गई है। जल्दी से सीसीटीवी कैमरा हैक करो, पता करो ये सब कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये बहुत ही वियर्ड है। जोया मुझे इस फुटेज में दिख रही है लेकिन इस फुटेज में गायब है। दोनों सीसीटीवी के बीच के डिस्टेंस करीब 500 मीटर है। मतलब किडनैपर्स को पता था इतनी जगह सीसीटीवी में कवर्ड नहीं है एंड एग्जैक्ट उसी जगह से जोया किडनैप हुई है। अब तुरंत चलिए, वहाँ से कुछ क्लू मिल सकता है जोया का। आलिया और कोसी दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कोई क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी आलिया को नीचे एक आईडी मिलता है। मैम ये तो जोया का आईडी है, उसने यहाँ फेंका है। मतलब जरूर इसी लोकेशन से मेरी जोया किडनैप हुई है। मेरी जोया पता नहीं कहाँ होगी। जोया बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल है, उसने और क्लूज छोड़े हैं। वो देखो, वह आगे रोड पे और क्लूज पड़े हैं। वाओ जोया, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे कुछ करना होगा ताकि आलिया दी और कोसी माम मुझे ढूंढ सके। देखो ये जोया का नोटबुक है, इसका पेज भी फटा हुआ है, ये उसने जानबूझकर किया होगा। स्मार्ट गर्ल, आधी जल्दी से सीसीटीवी चेक करो कि किन कार से ये चीजें फेंकी गई हैं। मिल गई, मुझे जोया मिल गई। आदि तुरंत जीप की फोटो लेके उन लोग को भेज देता है। आदि, वो जीप को ट्रैक करो, कहाँ गई? मुझे जीप मिल गई है, उसकी लोकेशन भेज दिए है। लोकेशन मिलते ही आलिया और कोसी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ उसी के जैसे तीन जीप खड़ी थी। आलिया और कोसी तीनों जीप के अंदर देखते हैं। लॉजिकल आर्मी, आप तीनों जीप के अंदर के सीन को देख के बता सकते हैं कौन सी जीप में जोया को किडनैप किया गया था? सोचिए। इस जीप को ध्यान से देखिए, इसमें जोया का बैग दिख रहा है, मतलब यही जीप में जोया को किडनैप किया गया था। दोनों आजू बाजू देखना शुरू करते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं कोई क्लू मिल रहा है कि जोया किस तरफ गई होगी? सोचिए। मैम वो देखिए, पानी के ड्रॉप्स दिख रहे हैं, जरूरी है जोया ने क्लू छोड़ा है। दोनों क्लू को फॉलो करते हुए जंगल में आगे जाने लगते हैं। ये लड़की कुछ बोल रही है, पानी मांग रही है। पानी के ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए दोनों एक पुराने से वेयरहाउस के पास पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो देख के शॉक हो जाते हैं। जोया बस एक चेयर से बंधी हुई है और उसका मुंह बंधा हुआ है। जोया, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ बांध कर भाग गए। मुझे पता था आलिया दीदी आप यहाँ पहुँच जाओगे। ओह नो, ये तो सिर्फ एक चाल थी, असली खेल तो कुछ और ही है। हमें जल्दी से असली मोटिव समझना होगा। मैंने शिप्स को ट्रैक कर लिया है, लेकिन सारे शिप्स साउथ अफ्रीका से निकल गई है। उन्होंने जोया को किडनैप किया जिससे हम यहाँ बिजी हो जाए, और उन्होंने सीक्रेटली सारे शिप्स साउथ अफ्रीका से बाहर ले गए। मुझे पिक्चर्स मिले हैं, मैंने डिटेक्टिव सोसाइटी को भेज दिए हैं। मतलब जोया की किडनैपिंग एक डिकॉय था, वो लोग बारूद लेके निकल गए यहाँ से। अभी खबर मिली है डेविड और मेरा हमशक्ल फिर पुलिस की पकड़ से भाग गया है। वो मास्क के पीछे कौन था अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सर एक बैड न्यूज है, सारा बारूद साउथ अफ्रीका से निकल गया है। आदि, क्या कोई और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? मैंने कुछ पिक्चर्स निकाले हैं। ये तो वेनम वेब के शिप्स है, ये वैसे शिप्स है जो एंडरसन को मुंबई में मिले थे। जरूर कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, लेकिन कौन है इन सब के पीछे?
तो हमारा प्लान कामयाब रहा। डिटेक्टिव सोसाइटी को हमने खूब बेवकूफ बनाया विद दैट लिटिल डिस्ट्रैक्शन। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि वो मेहुल मुझे पहचान लेगा। उसकी अकल तेज है, लेकिन इस बार उसको धोखा दे दिया। अगर कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता तो मैं रेडी था, पर सब स्मूथ चल रहा है। ये एक्सप्लोसिव्स कहाँ डिलीवर करने हैं? मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे सिग्नल का वेट करना। लोकेशन और टाइम जल्दी भेजूंगा। अभी अपने सीक्रेट आइसलैंड पे शिप को लेके चले जाओ। हर ताले की एक चाबी होती है, हर समस्या का एक समाधान। लुका का इंट्यूशन सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसे बचने में हमेशा मदद करता है। हर तरफ माइंड बिछे हुए हैं। लुका का हर एक कदम उसका आखिरी कदम हो सकता है। पर डर एक ऐसी लग्जरी है जो मुझे मंजूर नहीं। आजादी को कोई नहीं देता, उसे छीना जाता है। आजादी का शिकार कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ युद्ध का मैदान बदलता है। देखो जीवन, तुम्हारा नया अपग्रेड तुम्हें और भी सबत बनाएगा। बस थोड़े दिन और बेटा, फिर तुम एकदम ठीक हो जाओगे। ये बटन किस लिए है, चलो देखते हैं। वाओ, क्या फाइट किया था आप लोगों ने बिग डैडी को हराने के लिए। ये देखो, यहाँ पे मार्को बच के निकल गया। एक मिनट आदि, यहाँ पॉज करो। सोशियोलॉजिकल आर्मी साइंटिस्ट ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसने आदि को पॉज करने के लिए बोला? सोचिए सोचिए। ये तो वेनम वेब का लोगो है। यही लोगो मैंने साउथ अफ्रीका के शिप्स में देखा था जिसमें बारूद गया। कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है। मेहुल सर, मार्को जिस हेलीकॉप्टर में भागा वो वेनम वेब का था, और शिप्स भी वेनम वेब की है। कुछ तो बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। क्या इसका कनेक्शन वो मास वाले बंदे से तो नहीं? क्या वो मार्को था? क्या होगा आगे? क्या बड़ा प्लान बना रहा है वेनम वेब? और क्या इन सब के पीछे मार्को है? और कहां है ड्रैको नेक्सस? ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में।